पर भी दिख रहा होगा, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जेपी पावर का चार्ट है। आज के दिन इसका 17 रुपये का प्राइस है। और इनका क्वेश्चन था कि कुणाल साहब का क्वेश्चन था कि जेपी पावर में अभी आपका क्या व्यू है, तो मैंने बोला मेरा व्यू बुलिश है जेपी पावर में, बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहेंगे। अब देखिए, अब अभी मैंने बोला कि मेरा जेपी पावर में 3 पोजीशन है। एक पोजीशन जो अभी मैंने आपको पोर्टफोलियो देख के बताया कि 9.06 रुपये, एक पोजीशन नियर अबाउट 6 रुपये की और एक पोजीशन नियर अबाउट 2.5 से 3 रुपये के बीच बनी पड़ी हुई है। अब आप देखेंगे ये 3 महीने का चार्ट है। ये देखिए, आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये भैया 3 महीने का ये चार्ट है। आप यहाँ पर देखिए, ये 3 महीने का चार्ट है और 3 महीने के चार्ट पे आपको यहाँ पर बाई दिख रहा है। ये सुपर ट्रेंड नहीं है, ये सुपर ट्रेंड नहीं है, ये एक्चुअली जो क्या है, ये अलग से एवरेज परसेंटाइल प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन को मिलाकर बनाया हुआ, मिलाकर लगाया हुआ रूल है। ये पहले नहीं था, ये 1.5 से 2 साल से मैं यूज़ में ले रहा हूँ। यूज़ में तो बहुत पहले से है, यूज़ में बहुत पहले से है, बट इसको एज अ चार्ट पे प्लॉटिंग करना और जहाँ पर इसके सिग्नल आए उसके लिए अब ये डेवलपमेंट में आया है। और अभी भी इसमें कुछ और डेवलपमेंट चल रहे हैं, जैसा कि उसमें आपको मैंने हमेशा मैं बोलता हूँ बेन रेशियो। अब इसको बेन रेशियो पर भी डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, बेन रेशियो को जो हम लोग देखते हैं, बेन रेशियो की जो स्टैंडर्ड अवधि होती है वो 3 मंथ की होती है। बेन रेशियो की जो स्टैंडर्ड जो टेन्योर होता है वो 3 मंथ के चार्ट देखा जाता है, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बेन रेशियो। ये जेपी पावर का चार्ट है, ध्यान रखिएगा, जेपी पावर का ये चार्ट है। तो जो अभी ये हमारे कुणाल साहब थे जो जिन्होंने मुझसे पूछा जेपी पावर में आपको, मैंने इसी को देखकर बोला, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने 4 रुपये पर जेपी पावर को बाई दिया है। 4 रुपये पर आप यहाँ पर देखोगे तो इसने जेपी पावर को बाई दिया है। अब इसकी सार्थकता को और इसके ये इसके करेक्टनेस को जानने के लिए हम लोग अब इस चार्ट के साथ थोड़ा सा प्ले करेंगे, चार्ट की टाइमिंग के साथ। अब हम इसको ले आएंगे मंथ चार्ट पे। आप देखो, मैंने इसको मंथली चार्ट पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज परसेंटाइल को मिला के, ये वीडियो मैं अलग से मोबाइल पर मैं शूट कर दे रहा हूँ और ये आपको अलग से उस पर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे चला जाएगा। अब ये जो अलग से बेन रेशियो का जो फार्मूला, इसने जेपी पावर को आप देखोगे यहाँ पे 6 रुपीज के आसपास यहाँ पर बाई दिया है। आप यहाँ पे देखो बाई का साइन है और इसने मिला जुला के 17 रुपये के आसपास, या यहाँ पर आप 16 रुपये मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पर 17 रुपये के पास इसने इसको सेल दे दिया। तो एक काम ये हो गया आपका मंथली बेन रेशियो, जिसको अब तक मैं ड्राइव करने में असमर्थ था, असहाय था। अब इस पे मंथली बेन रेशियो पर भी ये ड्राइव हो रहा है। एक छोटे स्टॉक पे बता रहा हूँ 16-17-20 रुपये के स्टॉक पे, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये आपको अपना आपका सप्लाई डिमांड जोन भी बताता रहेगा ऑटोमेटिकली, सप्लाई और डिमांड जोन। अभी भी ये ऑब्जर्वेशन नेचर में पड़ा हुआ है, अभी भी मैं इसको ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ। ऑब्जर्व कर रहा हूँ का मतलब ये कि ये मेरे को डेटा सही दे रहा है कि नहीं। तो एक बार जो डेटा सही देने लगे तो फिर देखा जाएगा। ये हो गया, ये आपने मंथली चार्ट देख लिया, आपने मंथली चार्ट लगाया, यहाँ पे मंथली चार्ट भी आपने देख लिया। अगर इसको स्विंग बेसिस पे अगर इसको यूज किया जाए, जैसे स्विंग बेसिस पे आ जाओ आप वीकली चार्ट पे, अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये भैया कि बेन रेशियो को जो 3 महीने के चार्ट तक वैलिड था, अब उसको मंथली पर भी ले आया गया, मंथ चार्ट पर भी ले आया गया और वीक चार्ट तक मैं इसको ले आया हूँ। अभी मैं इसको डे चार्ट पर नहीं लेकर आ पाया हूँ। तो अगर आप वीक चार्ट पर जाके देखिएगा मित्र, तो ये आपको इतने छोटे से स्टॉक में जिसमें वॉल्यूम की हिटनेस बहुत कम होती है, देखिए यहाँ पर ये आपको 9 रुपये पर बाई दिया और कहाँ पे 9 रुपये पर बाई दे के 13 रुपये पर निकाल दिया। तो आपको इसमें छोटे छोटे ट्रेड ढेर सारे मिलेंगे। अगर मैं आपको आज का निफ्टी का भी ट्रेड बताऊं, अगर मैं आपको 15 मिनट पे निफ्टी का भी ट्रेड बताऊं, तो देखो आप, मैं टेस्टिंग में हूं इसके। देखिए 15 मिनट में निफ्टी को आज इसने ऊपर से ही सेल दे दिया। अभी इसको 15 मिनट पे और रिफाइन करने की जरूरत है। तो 15 मिनट पर इसने निफ्टी को
ऊपर से ही सेल दे दिया और देखिए लास्ट में जाके अभी जाके बाई दिया है। देखिए आप यहाँ पर आपको दिख रहा है निफ्टी का ही चार्ट है भैया, है ना, ये मार्केट चल रहा है अभी भी। अभी भी कितना टाइम हो रहा है, 3:12 हो रहा है हम लोग लाइव में, देखिए है ना, ये देखिए यहाँ पर निफ्टी वही चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा कोई ठीक ठाक वाले शेयर पे लगा लीजिए, ठीक ठाक वाले शेयर पे क्या मतलब IRCTC पे लगा लीजिए, IRCTC का वीकली चार्ट लगा लीजिए, ए वीकली चार्ट लगा लीजिए। तो आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि IRCTC को मैंने 700 रुपये के आसपास बाय दिया था, 700 रुपये के आसपास बाय दिया था। अभी मैं अगर टेलीग्राम में दिख पाएगा तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर लिखा जाए IRCTC ये देखिए 17/11 को ये देखिए, ये आप देख रहे हो IRCTC कौन सी डेट है, 17 नवंबर को मैंने बोला था कि IRCTC में स्विंग बना सकते हैं 706, एट द रेट उस टाइम IRCTC 706 रुपये का चल रहा था। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, मैं ये लिखावट हटा रहा हूँ यहाँ से, अब थोड़ा सा मेरे मित्र यहाँ पर जाके देखिएगा कि 700 रुपये कहाँ आ रहा है, यही है, ये देखिए 670 700, यही है। थोड़ा सा इसमें मैं लेट हो गया था एक दो दिन, थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि उस टाइम मैं ट्रेवल पे था, लेट हो गया था, यही है 700 रुपये 706 रुपये। उसके बाद IRCTC को मैंने बोला था कि भैया जाएगा आराम से। अब मैंने यहाँ पर भी IRCTC में बोला था कि भैया जो लोग यहाँ पर निकलना चाहते हैं निकल लें और जो लोग बैठना चाहते हैं बैठे रहें, क्यों, क्योंकि अगर 3 महीने का इस चार्ट पे बेन रेशियो देखेंगे तो 3 महीने के चार्ट पे इसने अभी तक ही सेल नहीं दिया है, मंथली चार्ट पे इसने दिया है सेल, नो डाउट इसने मंथली चार्ट पर सेल दिया है। तो कहने का मतलब यह है मेरे मित्र कि अगर इस चार्ट पर इसके बाय सिग्नल पर भी आप ट्रेड कर लेते हैं इसमें, अब देखिए इस इंडिकेटर का नाम है SKI, अब उस टाइम कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इसका नाम AI लिख दिया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जो इसमें कैलकुलेशन दी गई वो आपका एवरेज परसेंटाइल AP, बेन रेशियो BR और स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब क्या कि अगर ढेर सारी एवरेज परसेंटाइल को, कई टाइम फ्रेम के एवरेज परसेंटाइल को मिलाकर अगर उनका एवरेज निकाला जाए तो कैसे हो। तो अभी इस पर काम चल रहा है, नो डाउट इस पर पैसा लगा के टेस्टिंग भी चल रही है और वो टेस्टिंग अभी तक 95-100% ओके है। अभी देखिए 1 महीना और लगेगा, मैं दिवाली के बाद तक का मैं इसको देख रहा हूँ कि इसी महीने में ये फाइनल हो जाए। तो एक छोटा सा ग्लिम्पस था आपको देने के लिए, चाहे वो इन साहब का ट्रेड था, अरे जो अभी पूछे थे JP Power, अब इसी पर आप रिलायंस को भी देख लो। जब रिलायंस मैंने 2280 पर दिया था, RELI रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए, वीकली चार्ट पर देख लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वीकली चार्ट पर देख लीजिए, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वीकली चार्ट है, देखिए यही था 2300 रुपये वाला भाव, यही था, ये यहीं पर दे दिया था इसने, और स्टॉप लॉस इसमें बहुत ही छोटा है क्योंकि जिस कैंडल पे बाई आके कंप्लीट है उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस लग जाए निकलिए। लेकिन क्या इसने 3 महीने पर रिलायंस को सेल दिया है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, अब जाके इसने सेल दिया है। तो अब हम यहाँ पर वेट करेंगे कि वीकली पर रिलायंस जब बाई आएगा तो रिलायंस को खरीद के जाएंगे। हालांकि रिलायंस में अभी भी बैठा हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं अभी भी बैठा हूँ, लेकिन आपको अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज कम है तो आपकी टेक्निकल नॉलेज में जो कमी है उस कमी वाले गैप को ये पूरा कर सकता है, तो फिर भी और भी आगे आपको इसके बारे में और भी जानकारी दी जाएगी, जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होते रहेंगे वैसे वैसे जानकारी दी जाएगी, और आप इसको कहीं पर भी जाके देख सकते हैं, किसी भी मार्केट में, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, USD, INR, फॉरेक्स, जो भी आप लोग करते हो, जहाँ पर लाल और हरी कैंडलों की सक्रियता है। ठीक है जी, धन्यवाद।